गाइस, इस आकाश वंस अगेन। और बताओ कैसे हो आप? अच्छे हो ना? अच्छे हो तो यार बता दो, नहीं अच्छे तो यार वो भी बता दो, कोई परेशानी है वो भी बता दो, निकाल लेंगे कोई हल बैठ के, है ना। मेरे से तो कोई पूछता ही नहीं है। चलो कोई नहीं यार, ज़िंदगी क्या है यार, पता नहीं क्या चाहती है ज़िंदगी, है ना। पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और बताओ ठीक हो सब? तो यार मैंने एक वीडियो डाली थी 2-3 महीने पहले, तेरी पेंसिल टाक लिया। मैंने एक वीडियो डाली थी यार थोड़े महीने पहले, क्योंकि यार मैं बड़ा परेशान, क्योंकि यार लाइफ पता नहीं क्या चाहती है ना, पता नहीं क्या क्या हो रहा है ज़िंदगी में। तो यार मैंने एक वीडियो डाली थी, गार्नियर का जो एक्नो फाइट पेन आता है, छोटी सी ट्यूब होती है, मैंने उसके बारे में एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, वो डाली थी। तो बड़े लोगों ने मुझे कमेंट किया है यार, तो कुछ मेरे जो भाई बंधु हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया कि यार अगर ज़्यादा पिंपल्स हो, कुछ लोगों में क्या होता है यहाँ पे इक्का दुक्का पिंपल निकलता है, ठीक है, कभी फोरहेड पे निकली, कभी नोज पे, कहीं यहाँ पे निकल गया, कहीं यहाँ पे निकल गया, ठीक है। लेकिन कुछ जो लोग हैं जिनकी डाइट बहुत ही ख़राब है और जो अभी टीनेजर की एज में है, उनको पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है यहाँ पे चीक्स पे, तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि यार अगर ज़्यादा पिंपल्स हो तो क्या करना चाहिए। एक दो हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, मैंने उनको मना किया था वीडियो में ही कि अगर आपको ज़्यादा पिंपल्स है तो उसको लेपना नहीं है, उसको ऐसे ऐसे नहीं लगा सकते हम। उस एक आधा पिंपल हो तो उसके हमें डॉट लगाना, उसके ऊपर पेन हल्का सा एक डॉट एक ड्रॉप लगाना होता है बस। तो बड़े लोगों ने मेरे से पूछा कि यार अगर ज़्यादा पिंपल्स हो तो क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में ही आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप आपको पसंद आएगी, है ना। मैं बोल रहा था यार कि बड़े लोगों ने से मेरे से पूछा था कि यार अगर ज़्यादा पिंपल्स हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो उसी के ऊपर है। आई होप आपको अच्छी लगेगी। मैंने जो मुझे कमेंट्स आए थे उनको मैंने रिप्लाई किया था, तो मैंने सोचा यार मैं क्यों बैठा हूँ इधर, है ना, आपको बना के दिखाता हूँ पूरी वीडियो। तो आज मैं उसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, और मेरे पास में एक चीज़ पड़ी है यहाँ पे जो मैं आपको अभी बताऊँगा, अपने जो ये मेरा मोटा सा फेस है उसके ऊपर लगा के। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसको पहले हमने मिक्स बनाना है, इसका मिक्स बनाना है, उसके बाद हमने इसको फेस पे लगाना है। और यार इसकी जो खास बात यह है कि इसको आपने 1 से 2 घंटे तक लगा के रखना है फेस पे, ठीक है। 1 से 2 घंटे लगाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर 15-20 मिनट लगाएंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि आप रात को जब आप फ़ोन चलाने का टाइम होता है, जब आप खाना खुना खा के टीवी देखने बैठते हैं या फ़ोन चलाते हैं, तो 11-12 बजे तक आप फ़ोन चलाते हैं ना, तो उस टाइम में आप इसको लगा लीजिए खाना खाने के बाद। और जब आप सोने लगे, वैसे आप पूरी रात भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने बेड क्यों खराब करने, पूरी रात भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यार पिल्लो ख़राब हो जाते हैं, मैंने ट्राई किया था, पिल्लो चादर ख़राब हो जाती है, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आप इसको, मैंने जैसे बताया कि आप रात को फ़ोन चलाने का जो टाइम होता है उस पर लगाइए, 2 से 3 घंटे तक रखिए इसको मुंह पे, और उसके बाद ठंडे पानी से अपना फेस को धो लीजिए। तो ये है वो चीज़, ये पतंजलि का कांति लेप, और इस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट्स है वो ऑसम है, और आपके पिंपल्स ख़त्म। लेकिन एक बात हो रहा है, इसको आपने रेगुलरली लगाना है। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा रिजल्ट्स मिले ना, तो आपको इसको हफ्ते में, अगर आप रोज़ नहीं लगा सकते तो हफ्ते में आपको इसको 3 दिन लगाना ही लगाना है। संडे को लगा सकते हैं आप, बीच में एक आधा दिन चूज़ कर लिए, लेकिन मैंने इसको रोज़ लगाया था तभी मेरा जो फेस था वो ठीक हुआ था। तो आप भी अगर हो सके तो रोज़ लगाइए, नहीं आप रोज़ नहीं लगा सकते तो आप हफ्ते में 3 दिन लिए। यह पतंजलि का कांति लेप, ओके। और इसकी जो प्राइस है वो है 70 रुपीज़, और हर्बल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बड़ा ही अच्छा निखार आएगा आपके फेस पे, और हर्बल है सबसे बेस्ट जो बात है। तो ये है पतंजलि का कांति लेप, और इसको लगाने के बड़े ही तरीके हैं। आपकी स्किन पे डिपेंड करता है कि आपकी स्किन को क्या सूट करता है। आप चाहे तो इसको कच्चा जो दूध होता है, मिल्क कच्चा बिना बॉयल वाला, उसके साथ मिक्स करके इसकी पेस्ट बना लीजिए, वो लगा लीजिए, या एलोवेरा
अगर आपकी स्किन को एलोवेरा ज़्यादा सूट करता है तो आप एलोवेरा के साथ बना सकते हैं, नहीं तो रोज़ वाटर, गुलाब जल, एलोवेरा जेल और कच्चा दूध, या पानी के साथ भी मिला सकते हैं आप, जैसा आपको अच्छा लगे आप इसको बना सकते हैं। लेकिन मैं जो आज बनाने वाला हूँ वो है कच्चा दूध ले रहा हूँ, क्योंकि दूध जो है वो कच्चा दूध जो है फेस पे लगाने से काफ़ी अच्छा ग्लो आता है और स्किन जो है वो गोरी गोरी लगती है, गोरी गोरी। ठीक है, तो मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ कच्चे दूध के साथ, और अपने मैं फेस पे लगाऊंगा सारा और आपको दिखाऊंगा कि कैसा ये दिखता है और कैसी स्मेल। तो आप कर नहीं सकते लेकिन देख सकते हैं कैसा दिखता है, स्मेल आप खुद कर लेना कि कैसा लगता है घर पे। और ये प्रोडक्ट जो है काफ़ी अच्छा है, मैंने इसको यूज़ किया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हाँ जी, तो ये है मेरे पास कच्चा दूध बिना उबला हुआ मिल्क, और यह है खाली बाउल, इसमें मैं ये पाउडर जो है वो डालूंगा और दूध मिलाऊंगा। तो आपको देखना ही है कि ना ज़्यादा मोटी बनानी है और ना ज़्यादा पतली बनानी है, ठीक है, जो आराम से स्किन पे लग जाए, ना ज़्यादा मुश्किल हो लगाने में और ना ज़्यादा टपकने लगे। तो ऐसी कंसिस्टेंसी में आपको बनानी है। तो ये पाउडर कुछ ऐसा सा दिखता है, वेरी स्ट्रांग। तो एक ढक्कन मैं लूंगा ये पाउडर, पतंजलि का कांति लेप, ठीक है, जितना आपने बनाना बना लीजिए लेकिन वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये एक बारी जब पेस्ट बन जाता है तो आप इसको दोबारा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये ड्राई हो जाता है और खराब हो जाता है। तो ये मैंने ले लिया है एक ढक्कन इसका कांति लेप का, और यह है मेरे पास कच्चा दूध, और मैं देखूंगा कि कब तक कितना दूध मिलाना है, क्योंकि ना मुझे ज़्यादा गाढ़ी बनानी है और ना ज़्यादा पतली बनानी है। ठीक है, तो इतनी समझ तो है आप में भी कि कितना दूध डालना है। तो ये देखिए मैं बना रहा हूँ अपना लेप, कांति लेप, ठीक है, और इसको मैं लगाऊंगा अभी आपके सामने लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। और यार सॉरी यार, ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई यार, क्या करूँ यार, 3-4 महीने हो गए वीडियो नहीं बनाई, बातें निकल जाती हैं यार बाहर। यार आपकी नहीं निकलती बातें? तो आ देखो जी, आ मैं पेस्ट बनाना, ओ शिट, चादर मेरी खराब होगी बिना लगाए हुए। आ देखो, ठीक है, गफ्फे पहने मम्मी को लोन। तो देखिए ये जो पेस्ट है ये पूरी बन गई है, और जैसे मैंने चाहता था वैसी कंसिस्टी में बनी है पूरी, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा पतली। और मैं भी अपने जो सुंदर सुंदर बाल हैं उनको पीछे करूँगा और अपने फेस पे आपको लगा के बताऊँगा, ठीक है। ये देखिए, आए हुए, ठंडी ठंडी लग रही है, पूरे फेस पे लगाना आपको अच्छे से। और एक बात का ध्यान रखना आपने, ठीक है, जब जब ये सूख जाता है ना तो ये थोड़ा रेतीला हो जाता है, यानी सैंडी सैंडी सा हो जाता है, लाइक स्क्रब जो होता है ना, स्क्रब में जो पार्टिकल्स होते हैं वैसा हो जाता है। तो आपको इसको डायरेक्ट नहीं धोना है, ठीक है, मैं बताऊंगा धोना भी कैसे है, धोने का भी एक तरीका है। तो जल्दी जल्दी लगा लेता हूँ मैं यार, आप स्किप करना चाहते तो स्किप कर सकते हैं वीडियो को। तो मैं पूरे फेस पे लगाऊंगा अभी, क्योंकि मुझे जो है अपनी स्किन को अच्छा करना है, क्योंकि आजकल जो दिखता है वही बिकता है। मैसेज बड़े आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे आप अच्छे से लगा लेना अपने फेस पे, ठीक है। पूरे फेस पे जब लगा लोगे आप तो अच्छे से लगा के इसको आपने 3 से 3 या चल यार 1-2 घंटा आप इसको रखना जरूर, ठीक है, ये नहीं है 15 मिनट लगाए इसको, अभी सूखा है नहीं तो धो लिया जाके, सूखने दो यार, 1 घंटा सूखने दो, 2 घंटा सूखने दो आराम से, क्या हो गया, आपकी स्किन ना आप अपने लिए कर रहे हो। सब्र का फल मीठा होता है जनाब, ओके, ठीक है, पढ़ा इतना,
तो ये देखो मैंने ये अपने फेस पे लगा लिया सारा, और मैं इसको सूखने दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा मैं इसको सूखने दूंगा, अब लगाया तो वेस्ट क्यों करना है, इसको सूखने दूंगा और 1-2 घंटे बाद सूखना। तो मैंने आपको बता रहा था कि इसको धोने का भी एक तरीका है, जब ये सूख जाता है ना तो ये थोड़ा रतीला हो जाता है, यानी कि सैंडी टाइप हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको ठंडा पानी लेना है, उससे पहले ऐसे लेके ऐसे 3-4 सेकेंड ऐसे आपको करना है, मतलब इसको गीला करना है फिर से उतारने के लिए भी, जब सूख जाएगा उसके बाद भी गीला करना है, ऐसे भी उतार ले लग जाना, रब करने लग जाना। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको रैशेज हो सकते हैं। तो जब सूख जाएगा अच्छे से तो आपको पहले पानी लेना है, इसको ऐसे लगा के 2-3 सेकेंड अपने फेस को अच्छे से लगा के, उसके बाद जब ये गीला होना स्टार्ट हो जाए उसके बाद आपको हल्के उंगलियों से ऐसे उतारना है, ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं रब करना है, रैशेस की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो फिर नहीं बोलना बाद में कि बताया नहीं मैंने। ठीक है, आपको इसको 2 घंटे छोड़ना है ऐसे, और जैसे मैंने बताया उसके वैसे ही इसको साफ कर देना है 2 घंटे बाद, और इसको अपने मैक्सिमम, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा रिजल्ट मिले आपको, आपके दाग धब्बे भी खत्म हो जाए, तो इसको आपने कम से कम यार 1.5 महीना तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि यार अच्छा रिजल्ट टाइम से मिलता है, एकदम से कुछ नहीं होता। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप इसको लगाएंगे तो आप 1 हफ्ता इसको आप लगा के देखना, आपको रिजल्ट्स दिख जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और वीडियो यार बड़ी ज़्यादा लंबी बन गई है, पता नहीं क्या हो गया आज, इतनी बातें क्यों निकल रही हैं। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए, अभी मैं आपको, अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी मैं आपको अपना फेस दिखाऊंगा धो के, जब ये सूख जाएगा अच्छे से। ठीक है,